ठीक है नहीं पकड़ इसको। राधे कृष्ण दोस्तों, तो आज है हमारी छुट्टी, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं चाउमीन। जब भी हमारी छुट्टी होती है ना, तो हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं बनाने के लिए। किसी दिन चाउमीन बना लिया, किसी दिन पास्ता बना लिया, तो वो ना हम छोटा छोटा सा बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो आज जो चाउमीन या नूडल्स बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हमारे पति देव, जो किचन में है। नई लहसुन नहीं है, बिना लहसुन के टब बनाओ ना। हाँ, जिंजर पेस्ट लहसुन की जगह पर यूज करो इसको, वो दे दी। अरे दोस्तों, नील जम जा चुका है। रोरा चाउमीन की सामग्री, ये है नूडल्स। सामान हमारा खो जाता है आधे से ज्यादा। चाउमीन बन रही है कितने डर से, एक यहाँ डर के मारे इसने मुझे पकड़ा हुआ है। ये के लिए बनाया हमने इसको, ये बनेगा कढ़ाई में। ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? चाउमीन। कौन खाएगा चाउमीन? आप नहीं खाओगे? रिद्धि को यहाँ पर इतनी भूख लग चुकी है ना, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लेट लेकर घूम रही है, चाउमीन दे दो, चाउमीन दे दो, चाउमीन दे दो। चाउमीन खानी है? पापा बना रही है ना, फिर खाओगे? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडी हो चुका है मसाला। थोड़ा सा इसमें डलेगा अजीनोमोटो, इसमें डल रही है ग्रीन चिली, जो भी आई मेरी छेद छोटा हो गया। उबला उबला ठीक है, विनेगर बस बन गई। रोना नहीं है, रोना नहीं है, बस बन गई। पापा चाउमीन बाबू मेरी पास हूँ आपके लिए, तो चाउमीन बन रही है। आप रो क्यों रहे हो? गर्मी हो रही है, देखो आपको पसीना आ रहा है। आप अंदर बैठो, जाओ एसी में जाओ, अंदर बैठ जाओ। मम्मा भी चाउमीन लेकर आ रहा, जाओ फिर है ना, बाहर मत आना ठीक है। मम्मा भी अभी आएगा, चाउमीन लेके आएगा आपके लिए। अभी पापा बना रहे ना, बस बन गया। रिद्धि से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, रो रो के आतंक मचा रखा है। चाउमीन लाओ, चाउमीन लाओ, थोड़ा सा भी वेट नहीं हो रहा है मैडम से। और पतिदेव कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चाउमीन बनाई जाए। आ रही हूँ, चलो आ रही हूँ। तो फाइनली चाउमीन बन चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए रिद्धि के पास, क्योंकि उसने काफी आतंक मचा दिया है रो रो कर, मम्मा चाउमीन, मम्मा चाउमीन। रिद्धि के लिए निकाल के दो भाई, फिर बाद में उसमें मिर्ची डाल लेना। बस 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 आ गया चाउमीन, आ जाओ, चलो आ जाओ, अंदर आओ। अब खा बाहर जो हम खाते हैं उसको, तो बहुत अच्छा है यार। ये है हमारे हीरो की करामात, उन्होंने नूडल्स तो बनाए लेकिन ढेर सारे बर्तन भी इकट्ठे कर रखे हैं, जो कि साफ मुझे करना है। तो फटाफट से झांसी की रानी बनकर मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए थे, और आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि कुछ दिनों पहले रिद्धि से मेरी आईज पर चोट लग गई थी। सारा काम खत्म करने के बाद अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि रिद्धि खेलते खेलते मेरी आईज, आंख तो उसने मार दी थी, तो हम लोग निकल पड़े हैं अब हॉस्पिटल के लिए। देखते हैं मेरी आंख में कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो। चलो बाबू आए, जाओ 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 जाओ, रोती है देखो तो। गोलू इसको तो कोई मतलब ही नहीं है यार। ए गप्पू मेरे बिना जा रहा है।
अंततः हम अपनी टुनटुन पर सवार हुए और निकल पड़े अस्पताल की तरफ। और सूर्यदेव पूरी चरम सीमा पर चमक रहे थे। बहुत मन्नत करी सूर्यदेव, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, चमकना बंद कर दो, लेकिन ये नहीं माने। तो हमने अपना मुंह ही छुपा लिया और हम पहुंच गए यहाँ पर आई सेंटर। आपको उठना पड़ेगा जब हेलो बोलो। हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे सुबह के 10 बजे और हम लोग घर पहुँचे हैं 3 बजे। बहुत ही लंबा समय लगा। सबसे पहले ये मेरी आईज़ में इन्होंने ड्रॉप डाला तो रिद्धि को लगा मम्मा रो रही है, तो मुझे चुप करा रही थी। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारा नंबर आ ही गया। यहाँ पर इन्होंने मेरी आईज़ को काफ़ी देखा और पता नहीं कौन कौन से औजार डाले भाई। फिर हम घर पहुँच गए। ये पेंसिल डाल रहे हैं, पेन जैसा घुसा रहे हैं, लेकिन दर्द नहीं हो रहा। डॉक्टर यार, वैसे डॉक्टर तभी डॉक्टर को भगवान कहा गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको एक दिन के लिए एक आँख से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और रिद्धि को लग रहा था कि मम्मा को चोट आई है, तो ये मुझे खिला रही थी। मारा भी इसी ने ही है और प्यार भी यही कर रही है।